हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन यानी कि नंबर्स, जिनसे हमें किसी चीज़ की संख्या का पता चले। तो वचन क्या है? जो शब्द हमें किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताते हैं या गिनती में बताते हैं कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तारा है, यहाँ पर तारे एक से ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक गाय है। तो जो शब्द हमें इसके बारे में बताते हैं, उनकी संख्या का पता चले किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, तो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे तारा चमक रहा है और यहाँ पर एक से ज़्यादा तारे हैं, तो हम बोलेंगे तारे चमक रहे हैं, गाय घास खा रही है, तो ये इसके वचन हैं। इसी तरह से यहाँ पर गायें घास खा रही हैं, तो एक से ज़्यादा गायें हैं, तो गायें। सीटी मेज पर रखी है, एक सीटी है, सीटियाँ, ये बहुत सारी सीटी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज़्यादा होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद यानी कि वचन कितनी तरह के होते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले कि वो एक है, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि पौधा, घड़ी, पुस्तक, इस तरह से। बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज़्यादा होने के बारे में पता चले कि वो एक से ज़्यादा हैं। जैसे पौधे, पौधे से पता चलेगा कि एक से ज़्यादा पौधे हैं। घड़ियाँ, घड़ियाँ मतलब एक से ज़्यादा घड़ी है। पुस्तकें यानी कि एक से ज़्यादा पुस्तक हैं। तो इस शब्दों को बहुवचन शब्द कहते हैं। तो अब बच्चों, एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्द में बदल कर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। जैसे कौवा एक वचन और उसका बहुवचन क्या होगा? कौवे। पैसा का पैसे, पत्ता पत्ते, रात रातें, तोता तोते, सड़क सड़कें। इस तरह से सब शब्दों के हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो बच्चों, हमने क्या चीज़ें सीखी कि वाक्यों में जिन शब्दों से संख्याओं का पता चले उन्हें हम वचन बोलते हैं, और एक वस्तु का जिस चीज़ से पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जिस शब्द से पता चले उसको बहुवचन कहते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें से अलग अलग एक और अनेक वस्तुएं छाट कर लिखनी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पेड़ है, तो एक क्या है? वृक्ष या पेड़ हम लिख सकते हैं। और अनेक क्या है? चिड़ियाँ हैं, या हम अनेक चिड़ियाँ हैं, या आप देख रहे हैं अनेक आदमी हैं, एक से ज़्यादा आदमी हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनेक एक से ज़्यादा आदमी हैं। इस तरह से हम चीज़ों को छाट कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें सही और गलत पर निशान लगाना है। तो सभी संज्ञा शब्दों के कितने वचन हो? तीन वचन होते हैं, ये बात गलत है। मछली शब्द का बहुवचन बन सकता है? यस, बन सकता है, मछलियाँ होता है। आदर प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं? यस। पतंग शब्द बहुवचन है? नहीं। तो इस तरह से हम इनको राइट रॉन्ग पहचान सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में बहुवचन शब्द लिखने हैं। जैसे माला है तो मालाएं, रात है तो रातें, थैला है तो थैले, सभा है सभाएं। इसी तरह से बाकी के शब्द के भी आप बहुवचन लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें टिक मार्क करना है सही पर, सही ऑप्शन पर। तो इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन रहता है? पानी, पानी हमेशा एक वचन में होता है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन रहता है? दर्शन, चांदी, तेल, चूहा। कौन सा शब्द बहुवचन है? तेल। इस तरह से हम सही ऑप्शन को पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों हमें वचन बदलना है जो अंडरलाइन वर्ड है। जैसे फतेहपुर में पुरानी हवेलियाँ, तो हम हवेली का बहुवचन शब्द क्या होगा? हवेलियाँ। इसी तरह से कविता का बहुवचन शब्द क्या होगा? कविताएं। इसी तरह बस का क्या होगा? बसें। इस तरह से हम इनको छाँट कर लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों वचन के बारे में, वचन क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।